नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने पार्ट 16 और 21 दो पार्ट लाइव किए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और सभी को विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना कि वो लगातार मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमने ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट रैंक आई है, किसी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट रैंक आई है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कम से कम इतना है कि इन वीडियो के माध्यम से अपनी रैंक अचीव की। और कंटिन्यू मेहनत करते रहें और आपको क्विज मिलती रहेंगी, डेली आपको एक दो क्विज डेली मिलेंगी और उन्हें आप फिक्स आपको 9 बजे या फिर 8 बजे के एवरेज में आपको डेली क्विज मिलेगी, ठीक है। तो उसे आप आसानी से देखो और अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी रहो, ठीक है। आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर दोनों पर फर्स्ट रैंक आए, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। आज की क्विज शुरू होती है उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो और यदि चैनल पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगला है फर्स्ट जो है क्विज कि जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूति की बिक्री करता है, ध्यान रखना यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक लेवल के बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब जो है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे RBI के, ठीक है। तो जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूति की बिक्री करता है तो वाणिज्य बैंक का नगद भंडार क्या होगा, तो जब बिक्री करता है तो उसका नगद भंडार में कमी आएगी। मैं आपको सीधा यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, आपको पता है आपका समय नहीं लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्ध कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए, समृद्ध कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों को खालिस्तान से पूर्व अनुमोदित प्राप्त करना आवश्यक है, तो ये है IRDA। IRDA से आप मुझे IRDA की फुल फॉर्म कमेंट्स करें, ठीक है। और नहीं अगले वीडियो में आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म भी मैं बता दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा CCR की न्यूनतम सीमा क्या निर्धारित होती है। पहले तो ये देखो CCR क्या होता है, CCR होता है यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब होता है कि RBI के पास में कुल जितना डिपॉजिट है उसका प्रतिशत, ठीक है, मतलब कुल डिपॉजिट प्रतिशत होती है, उसकी न्यूनतम सीमा क्या होती है, इसका आंसर है कोई सीमा इसकी नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है का चालू खाता कहाँ रखा जाता है। अब आपको पता है चालू खाता कहाँ रखा जाता है, एक तो कमेंट्स करें आप इसे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने इतने दिन से पढ़ रहा हो RBI को, तो चालू बैंक खाता कहाँ रखा जाता है, रिजर्व बैंक में, ठीक है। देखो अगला, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना के लिए RBI अधिनियम कब संशोधन हुआ। आपको पता है RBI का जो अधिनियम बना था वो बना था 1934 में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1935 को, जबकि संशोधन कब हुआ है इसके अंदर 2016 में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सुविधा RBI द्वारा बैंकों के अंतर बैंक लेन देन के लिए दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बताना है आपको इनमें से कौन सी सुविधा RBI द्वारा बैंकों के अंतर बैंक लेन देन के लिए दी जाती है। तो अंतर बैंक के लेन देन के लिए दी जाती है RTGS, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकों के बैंकर के रूप में RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये जो कार्य किया जाता है वो है अंतर बैंक लेन देन का निपटान, यहाँ बैंकों का वैधानिक आरक्षित आवश्यकता, RBI के साथ अपने खाते बनाए रखने में सक्षम, अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में। और ये सभी कार्य RBI के हैं, आप इसे एकदम रट लें इन कार्यों को कि ये सभी कार्य हैं RBI के, कैसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान भारत में बैंकर्स बैंक होते हैं, अभी जस्ट प्रश्न यही था, वो होता है RBI, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा RBI का गुणात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपाय नहीं है, तो कौन सा गुणात्मक क्रेडिट उपाय नहीं है, वो है
LSLR ये इसका नियंत्रक उपाय नहीं है। बाकी पूंजी राशनिंग, नैतिक प्रेरणा और मार्जिंग आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? काफ़ी बार पूछ चुके हैं इसको, पढ़ा भी चुके हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब बैंक दर ऋण की मांग बढ़ाती है, ठीक है, जब बैंक दर ऋण की मांग बढ़ाती है तो खालिस्तान करता है, क्या होता है? बैंक ऋण दर तो कम करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण विधि नहीं है? चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण विधि नहीं है, ऋण की राशनी करना, सीधी कार्रवाई, मार्जिंग आवश्यकताओं में परिवर्तन, रिजर्व आवश्यकता, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका आ जाएगा डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। आपको पता है रिजर्व बैंक है वो 500 का नोट जारी करता है, 100 का भी करता है और 10 का भी करता है, लेकिन एक का नोट आपको पता है कहाँ होता है? वित्त मंत्रालय जिस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। और वर्तमान के वित्त सचिव कौन है, कमेंट्स करें आप। अगला है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों या बिलों की खरीद और बिक्री को कहा जाता है? खुले बाजारों में प्रतिभूत और बिक्री को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न आएंगे क्योंकि आपके मार्केटिंग वाला प्रश्न दे रखा है, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण के मात्रात्मक नियंत्रण के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो ये नहीं किया जा सकता है, उसका आंसर आएगा कराधान। आपको मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, आपका समय बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हुए। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2007 के अनुसार CCR था, तो अक्टूबर 2007 के अनुसार जो CCR था वो था 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की मौद्रिक प्राधिकरण है? तो कौन से देश की मौद्रिक प्राधिकरण है, वो है देश का देश की सरकार नहीं है, केंद्रीय बैंक नहीं है, देश का बैंकिंग प्रणाली नहीं, केंद्रीय बैंक है, जो कि कौन सा है? RBI है, जिसकी कितनी शाखाएं आपको पता है? जो मुख्यालय है वो 4 है, ठीक है। अगला है, भारत में CCR को कौन निर्धारित करता है? तो ये आपको पता ही है, CCR का भी निर्धारण इसके इतना पढ़ रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि निम्नलिखित में से कमी आएगी? तो यह है राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजारों में खरीद के द्वारा, इसके द्वारा ही देश की अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि निम्नलिखित में से कमी आ सकती है, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में खरीदारी करें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो ये अच्छा प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली है, वेरी मोस्ट। तो इसकी जो प्रणाली है वह है आपकी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, ये इसकी वर्तमान में नोट जारी करने की प्रणाली है। अब इसके अंदर कुछ जो ये फुल फॉर्म्स आई थी उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कौन कौन सी फुल फॉर्म है वो, ठीक है। देखो यहाँ देखें कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इसमें काम आई थी। IRDA फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथराइज ऑफ इंडिया। अगला ही है RTGS फुल फॉर्म, ये काफ़ी फेमस फुल फॉर्म थी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और SLR ये है सिचुएशनरी और लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फुल फॉर्म्स थी, और इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो किस तरह से लगती है आपको, कैसे प्रश्न चाहिए वो भी आप कमेंट्स करें, जिससे कि मैं उसी टॉपिक पर और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आऊँ।
ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।